नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे। पहले दिन सीएम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने पीएम मोदी से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया है। बता दें, पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का भी कार्यक्रम है। बता दें कि सीएम धामी ने पीएम को शिष्टाचार भेंट की। वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मानस खंड मंदिर माला मिशन पर चर्चा की। सीएम ने कुमाऊं मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से मानस खंड मंदिर माला मिशन को स्वीकृति दिए जाने का भी अनुरोध किया। एमकेएन से डेस्क रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के खिलाफ अब विरोध तेज होता जा रहा है। युवाओं के साथ अब राजनीतिक पार्टियां व क्षेत्रीय दल भी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरने में जुट चुके हैं। सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना के विरोध में अल्मोड़ा में आज युवा क्रांति समिति ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक होनी थी, लेकिन अनुमति नहीं होने के चलते पुलिस ने बैरियर के पास यात्रा को रोक लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस व युवा क्रांति समिति से जुड़े कई युवाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने यात्रा में पहुंचकर युवाओं को समर्थन दिया। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जैसे कि देश में टीओडी लागू हो गया, हम उसके विरोध में, और जो हमारा 1.5 साल से रिटर्न बचा हुआ है वो सरकार अभी तक नहीं कराई है, तो उसके उसको जल्द कराने के विरोध में हम आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक। देखिए, आज तिरंगा यात्रा को लेके जो क्षेत्रीय स्तर पे कुछ लोग जो एक्टिव हैं तो उनके द्वारा निकाली गई थी, और ये यात्रा लोधिया बैरियर तक गई थी, और लोधिया बैरियर में उन्होंने खुद ही इसको समाप्त कर दिया था। शांतिपूर्वक ये यात्रा हमारी हुई है और वहीं से ही उनको फिर डिस्पर्स कर दिया था। हरिद्वार में आधार कार्ड के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र के सेवा केंद्र में आधार कार्ड अपडेशन के नाम पर कई गुना पैसा वसूला जा रहा है। मामले को लेकर गुरुवार को सिडकुल स्थित सलीमपुर चौक पर एक सरकारी सुविधा केंद्र का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्र संचालक 50 रुपये की जगह 300 रुपये मांग रहा है। बता दें कि ग्राहक अपने परिवार के 3 आधार कार्ड में बदलाव कराने आया था, जिससे ग्राहक से 900 रुपये मांगे जा रहे हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। जिनमें लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जितना भी CSC और आधार सेंटर हमारे बने हैं, कुछ ब्लॉक में हैं, कुछ जो आधार सेंटर है कुछ बैंकों में हैं, और इसके अलावा जितने CSC सेंटर हैं, तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर कुछ छोटी छोटी त्रुटियों को लेके या विद इन टाइम लोगों के अगर काम नहीं हो रहे हैं या किसी के द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो इसको प्रॉपरली चेक करवाया जाएगा रूटीन में, ताकि जो काम पब्लिक के वो अनावश्यक रूप से सफर ना करें। देहरादून में कांग्रेस ने रेखा आर्य पर तीखा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने रेखा आर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर क्यों रेखा आर्य की अधिकारियों से नहीं बनती, चाहे त्रिवेंद्र रावत रहें, तीरथ सिंह रावत रहे हों या फिर पुष्कर धामी रहे हों। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रेखा आर्य और अधिकारियों का आपस में तालमेल नहीं रहेगा तो इसका खामियाजा विभाग की योजनाओं के साथ साथ वे तमाम लोग भुगतेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेखा आर्य की ही सभी अधिकारियों के साथ तनातनी हो जाती है, फिर चाहे वो त्रिवेंद्र रावत सरकार हो, तीरथ रावत सरकार हो या अब पुष्कर सिंह धामी सरकार। इससे पहले भी आधा दर्जन IAS अधिकारियों के साथ किस तरह का उनका नूरा कुश्ती का दौर चल रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब नया प्रकरण है अपने ही आयुक्त से भिड़ जाने का, क्योंकि आयुक्त ने बिना मोहतरमा के या बिना मैडम के आदेश के 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन नई दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे। बता रहे कि प्रवास के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। MK News की डेस्क रिपोर्ट।
देहरादून में आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में आईएएस रामविलास यादव को राज्य सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही राज्य सतर्कता विभाग के निदेशक अमित सिन्हा के मुताबिक पूछताछ के बाद उन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया। इससे पहले हाईकोर्ट की फटकार के बाद रामविलास यादव को देहरादून के विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचाया, जहां करीब 14 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। वहीं भाजपा के प्रवक्ता विनय गोयल ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से स्पष्टीकरण कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, और कोई भी कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उसी का परिणाम। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई है। ये आपत्ति नैनीताल के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजने और खाद्य आयुक्त के आदेश पर जताई गई। वहीं स्थानांतरण निरस्त करने के साथ ही उन्होंने आयुक्त का जवाब तलब किया। साथ में आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई को मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी मामले की जानकारी दी है। बताते चले कि खाद्य आयुक्त सचिन कुर्बे ने बीते 20 जून को खाद्य मंत्री रेखा आर्या को बिना बताए नैनीताल जिले के जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने का आदेश जारी कर दिया था, जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए खाद्य आयुक्त की कार्रवाई खेदजनक बताया। साथ ही खाद्य आयुक्त को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, किंतु खाद्य आयुक्त सचिन कुर्बे ने स्पष्टीकरण ना देते हुए 6 जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। खाद्य आयुक्त के द्वारा कुछ एक दो दिन पहले जनपद नैनीताल के DSO का ट्रांसफर करने का मामला मेरे संज्ञान में आया, और संज्ञान में आने के साथ में निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य का विषय है कि आयुक्त द्वारा जो है अपने मंत्री से अनुमोदन न लेना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और साथ साथ में किसी प्रकार की कोई सहमति न लेना, यह भी अपने आप में बहुत चिंतनीय प्रश्न लगता है। तो इससे साफ दिखता है कि उसकी हठधर्मिता अपनी जगह पर बनी हुई है। देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। साथ ही इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं कौशिक ने कहा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, जिस कश्मीर के बारे में आज हम सोचते हैं या देखते हैं, आज कश्मीर से धारा 370 हटी। कश्मीर की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, और आज हम जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं या जिस कश्मीर को हम देखते हैं, अगर आज कश्मीर से धारा 370 हटी, 35 से हटी, तो उस समय की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस समय का। ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट ने यमुना नदी में किसानों को सिंचाई का पानी न मिलने पर चिंता व्यक्त की है। कहा कि धान रोपाई का समय शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों नहरों को पानी न मिलने से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष भास्कर चुग ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण यमुना नदी का पानी रोककर झील में भरा जा रहा है, जिस कारण पशुवादून की हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने वाली नहर कैनाल, जो अंग्रेजों के जमाने की बनी है, वह कटापत्थर हेड से प्रारंभ होती है, वहां पर पानी ना के बराबर है, जिसके कारण पशुवादून का किसान बहुत परेशान है। धान की फसल लगने को है, लेकिन नहर में पानी इतना नहीं है कि फसल लगाई जा सके। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। तो कांक्षी, व्यासी जल विद्युत परियोजना का झील में पानी भर रहा है, और
विद्युत के उत्पादन के शुरू होने की बात भी आ रही है, लेकिन इससे बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है यमुना जी का पानी रुकने का, बहुत बड़ा नुकसान कटापत्थर हेड से जो अंग्रेजों के ज़माने की हमारी कैनाल है, जो एक छोटी नहर है, उस नहर जो वो नहर जिन खेतों को आज तक सिंचित किया करती थी। बदलते मौसम और स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने के कारण अब तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। मई के मुकाबले अब करीब 50% ही यात्री चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन अब चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आने से पंजीकरण में ढील दी गई है। अगर कोई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाए तो भी वह यात्रा पर आ सकता है, उनका मौके पर ऑफलाइन पंजीकरण हो जाएगा। एमके न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर खाद्य पूर्ति विभाग चर्चा का विषय बन गया है, जहां खाद्य आयुक्त द्वारा 6 जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया था, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अधिकारियों को संबंधित मंत्री के संज्ञान में कोई भी कार्य लाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री और अधिकारी के बीच में तालमेल नहीं हुआ तो उस पर मंत्री को गंभीर एक्शन जरूर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री का काम अपने विभागों पर नजर रखना होता है और अगर बिना मंत्री को बताए कोई अधिकारी कार्य कर रहा है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, संवैधानिक परंपराएं हैं और एक काम करने का तरीका है। निश्चित रूप से संबंधित विभाग की मंत्री और अधिकारी में अगर किसी भी प्रकार की कहीं भी तालमेल की कमी अगर दिखाई देगी तो उस पर निश्चित रूप से मंत्री को एक्शन लेना चाहिए और मंत्री का काम है अपने विभागों पर पूरी नज़र रखना। हरिद्वार में महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से 7 राज्यों की जोनल बैठक होने जा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में महिला और बाल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस जोनल बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को शामिल होना था, लेकिन अंतिम समय पर उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। अब बैठक में महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत शामिल होंगे। एमके न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट। देहरादून में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे। इसके लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। धन सिंह रावत का कहना है कि जो शिक्षक लंबे समय से दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात हैं उन्हें सुगम स्कूलों तथा जो मैदानी क्षेत्रों में जमे हैं उन्हें दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में भेजा जाएगा। विभाग में पात्र कार्मिकों और अधिकारियों की पद उन्नति की कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। एमके न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट। विकासखंड कोटाबाग के गुलजारपुर बंकी के लिए 27 जून को जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उपचुनाव होना है। विगत 10 महीने पूर्व गुलजारपुर बंकी की जिला पंचायत सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते जिला पंचायत सदस्य की ये सीट खाली पड़ी थी। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के उपचुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी श्याम चंद ने बताया कि उपचुनाव के लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 38 बूथ निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 17 ग्राम पंचायत के 21,314 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। काला ढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। गुलजारपुर बंकी 18 सीट में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होना है और इसमें कुल मत जो है 21,314 हैं। प्रशासन की ओर से लगभग संपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, लगभग पूर्ण कर ली गई है, केवल कार्मिकों का प्रशिक्षण होना शेष रह गया है। देहरादून कोरोनेशन अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में 30 जून से मरीजों को आईसीयू की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए नए पद मंजूर करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए गए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा का क्रम कुछ थम गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है। वहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हो सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज यानी गुरुवार को मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि कल से पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रह सकता है, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। वहीं कल शुक्रवार से कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण लाभार्थियों में 100% बायोमेट्रिक माध्यम से न करने वाले 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के चालान काटे। प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं से 3,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। वहीं सितारगंज पूर्ति निरीक्षक DS धामी ने बताया कि कार्य की समीक्षा निरंतर शासन स्तर, मंडल स्तर व जनपद स्तर पर की जा रही है। वह बायोमेट्रिक माध्यम से खाद्यान्न वितरण किए जाने की समीक्षा करने पर जनपद में तहसील स्तर पर कई विक्रेता चिन्हित किए गए हैं, जिनके द्वारा संतोषजनक बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सितारगंज तहसील क्षेत्र में 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन के निर्धारित अत्यंत न्यून बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन किया गया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। मान में राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत सभी राशन डीलरों को, कार्डधारियों को जब राशन वो वितरण करेंगे तो बायोमेट्रिक का प्रयोग करना है। जिन राशन डीलरों के द्वारा बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम किया गया है, उनके अगेंस्ट जिला स्तर पर कार्रवाई करते हुए 44 डीलरों पर जुर्माना किया गया है, प्रति डीलर 3,000 रुपये। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में CM धामी ने कहा कि बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर आयोजित की जाए। उन्होंने औपचारिकता न करते हुए सीधे बैठक के एजेंडा पर चर्चा की। CM ने कहा कि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने पर प्राथमिकता से काम करना है, खास तौर पर खेती को बंदरों से बचाने के लिए यथासंभव तकनीक का उपयोग किया जाए। हरेला पर्व पर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। इस दौरान बैठक में सोनप्रयाग, केदारनाथ धाम और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे सहित विभिन्न प्रकरणों, वन भूमि हस्तांतरणों पर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं CM ने टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र व अन्य पर्यटन वन क्षेत्रों में पर्यटकों के बर्ताव के संबंध में गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक रेणु बिष्ट, अनिल नौटियाल सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। MK न्यूज से डेस्क रिपोर्ट। मानसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ यात्रा की रफ्तार धीमी हो गई है। बीते एक सप्ताह में प्रत्येक दिन दर्शनार्थियों की संख्या घट रही है। साथ ही बाजारों, पैदल मार्ग व केदारपुरी में यात्रियों का दबाव पहले जैसा नहीं है। वहीं सोनप्रयाग से भी प्रतिदिन सुबह से दोपहर तक यात्रियों की धाम रवानगी भी कम हुई है। बता दें कि 6 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में इस साल नए आयाम स्थापित कर रही है। कपाट उद्घाटन पर जहां रिकॉर्ड 23,512 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, वहीं यात्रा के शुरुआती 6 दिनों में ही धाम में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 1,00,000 पहुंच गया था। मई के 26 दिनों में जहां 4,35,203 श्रद्धालु धाम पहुंचे, वहीं जून के 19 दिनों में 3,11,547 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार मानसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ में यात्रियों की संख्या में भी कमी आने लगी है। MK न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। खबर पौड़ी से है, जहां कॉलेज जखेटी में प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर कई खामियां सामने आई हैं। बताया जाता है कि विद्यालय में प्रबंध समिति के चुनाव 26 मार्च को संपन्न हुए थे। चुनाव के पारदर्शी ना होने के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह राजा कोली ने शिक्षा मंत्री व आयुक्त गढ़वाल मंडल से शिकायत की। वहीं शिक्षा मंत्री व आयुक्त ने माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर बिष्ट को जाँच के निर्देश दिए थे। जांच में पाया गया कि विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का चुनाव नियम अनुसार नहीं हुआ था। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जखेटी इंटर कॉलेज में मैनेजमेंट का एक प्रकरण था,
वहाँ पर इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन कुछ लोगों ने विरोध किया कि नहीं साहब इलेक्शन गलत हुआ है, तो विभिन्न स्तरों पर शिकायतें की गई शिकायतकर्ता के द्वारा। जिलाधिकारी पौड़ी ने भी मुझे जांच के लिए लिखा है और कमिश्नर गढ़वाल मंडल ने मुझे जांच के लिए लिखा। साथ ही साथ जेकेटी में मैंने शिकायत की थी कि बाहरी लोगों को वहाँ का सदस्य बनाया गया है और जिला प्रशासक योजना के तहत चुनाव नहीं कराए गए, तो मैंने जिलाधिकारी जी को, आयुक्त जी को और विधायक और मंत्री जी को, सबको मैंने लेटर लिखा था, शिकायती पत्र लिखा था। उसके बाद उन्होंने सबने जांच अधिकारी बना दिए अपर निदेशक। देहरादून के लालकुआ के रेलवे क्रॉसिंग गेट पर रेलवे सुरक्षा बल ने अभियान चलाते हुए फाटक के नीचे से बाइक निकालने वालों पर शिकंजा कसा। इस दौरान भाजपा के मंडल महामंत्री राजकुमार सेतिया का बेटा दबंगाई दिखाते हुए निकलने का प्रयास कर रहा था, जिसे मौके पर मौजूद आरपीएफ की महिला उप निरीक्षक मनीषा मीणा ने पकड़ लिया। मामले की भनक लगते ही प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और भाजपा नेताओं का रेलवे फाटक पर जमावड़ा लग गया। वहीं घंटों आरपीएफ की भाजपा नेताओं और व्यापार मंडल नेताओं से नोकझोंक होती रही, लेकिन आरपीएफ ने किसी की ना सुनी और कार्रवाई करते हुए 5 मोटरसाइकिलों को बरामद कर कोर्ट में पेश किया है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। रेलवे लाइन पर इतनी भीड़ रहती है, यहाँ पर बंद रहता है बहुत ज़्यादा, तो लोग परेशान होते हैं धूप में। अब ऐसा कोई मामला था नहीं वैसे, मेरा बेटा मेरे घर से आ रहा था, पीछे साइड वहीं पास में मेरा घर है, वहाँ से आ रहा था, रेलवे क्रॉसिंग से बहुत दूर था, वो इंस्पेक्टर वहाँ पर बैठी हुई थी, उन्होंने उनको बुलाया और मोटरसाइकिल उनको ले ली और चाबी दो जबरदस्ती चाबी लेकर और रेलवे स्टेशन पहुँचा दी उसको। उत्तराखंड जल विद्युत निगम भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला डाक पत्थर के व्यासी जल विद्युत परियोजना से जुड़ा हुआ है। दरअसल व्यासी जल विद्युत परियोजना में जब पावर हाउस और सुरंग निर्माण का कार्य चल रहा था, तब हथियारी नामक जगह पर एक डंपिंग जोन बनाया गया। वहीं इसमें डंपिंग जोन का मलबा यमुना नदी में न गिरे, इसको लेकर हथियारी में 40 लाख रुपए का जूट मैटिंग तैयार किया, जिसमें प्लांटेशन का कार्य करवाया गया ताकि प्लांटेशन से मलबे को नदी में जाने से रोक सकें। लेकिन यहाँ की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। डंपिंग यार्ड पर जंगली घास के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सवाल ये उठता है कि यदि विभाग द्वारा जूट मैटिंग और प्लांटेशन के लिए 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, तो वह प्लांटेशन यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वहीं जब मामले को लेकर जल विद्युत परियोजना ईडी राजीव अग्रवाल से बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में सांख्यिकी के 50 अधिकारी का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, सूचना, हाउस होल्ड की आर्थिक पहलुओं के साथ ही आयुष मंत्रालय के लोगों और औषधि के उपयोग की गणना का सर्वेक्षण होगा, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सर्वेक्षण ये है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के तौर पे हम लोग भारत में इसका जो आंकड़ा कलेक्ट करते हैं और इंडेक्सेस जनरेट करते हैं ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल का, उसके लिए कैंप्स का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें हमारा 3 टॉपिक्स मेनली कवर हो रहा है। एक तो एजुकेशन रिलेटेड है, एक आईटी यूजेज और तीसरा आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन रिलेटेड है। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मंडल कार्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें मंडल के विकास कार्यों की चर्चा की और आगामी चुनाव की रूपरेखा को लेकर बात की गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होती है। वहीं अग्निपथ के सवाल पर जोशी ने कहा ये योजना देश के हित में है, प्रदेश में अगर अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है तो वो कांग्रेस के लोगों और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया है। देश के हित में, सेना के हित में ऐसी महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए हैं। से भारत की सीमाएं अगल बगल के राष्ट्रों से गिरी, हम किसी को नहीं कह सकते कि हमारा मित्र राष्ट्र है, इसलिए भारत की सेना का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। जो ये मंडल की कार्य समिति थी, हर 3 महीने में होती है और मंडल की कार्य समिति में आने वाले जो कार्यक्रम हैं, वर्तमान के जो कार्य हमारे मंडल के द्वारा हुए उसकी समीक्षा
आने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है और इस बैठक से कार्यकर्ताओं को नए उत्साह नए जोश के साथ कार्यक्रम दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम व सांसद तीरथ सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कर देश को आगे बढ़ाया है, जिससे हर व्यक्ति आज भाजपा की सरकार को चाहता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भी भाजपा की सरकार चाहती है। दरअसल सांसद तीरथ सिंह रावत आज एक कार्यक्रम में शामिल होने अल्मोड़ा पहुंचे थे। अल्मोड़ा से नसीब अहमद की रिपोर्ट। क्या देखते रहिए अभी क्या है और इस बारे में कहना जल्दी होगा, पर मुझे लगता है कि वहाँ जो जिस तरह का सीनरी सामने आ रहा है और उससे लगता है कि आज लोग भाजपा को वहाँ भी चाहते हैं। निश्चित है कि जिस तरह मोदी जी ने पूरा देश को विकास की ओर आगे बढ़ाया है तो हर जन चाहता है कि हर जगह भाजपा हो, तो हमारे हाथों को मजबूती मिलेगी और अपना भी विकास होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एरा में आयोजित 15 से 16वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान और तकनीकी कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य विज्ञान और तकनीक कांग्रेस के बहुमूल्य उत्पादों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हम सब का प्रयास होना चाहिए कि इस तरह के मंथन कार्यक्रम सिर्फ आयोजन तक सीमित न रहें। इस कार्यक्रम से आईटी के क्षेत्र में प्रदेश के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 8 सालों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। नई शिक्षा नीति लागू की गई है जो कि हर पहलू को केंद्रित पर बनाई गई है। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े सभी वैज्ञानिक और शोधार्थियों के सुझाव आमंत्रित हैं। इस दौरान UCOST के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र डोभाल ने ग्राफिक एरा ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉ. कमल घनशाला, विभिन्न संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिक शोधार्थी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित IAS रामविलास यादव बुधवार को देहरादून विजिलेंस ऑफिस पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाकर दस्तावेज सौंपे। इस मौके पर रामविलास यादव के वकील अभिनव शर्मा ने उनका बचाव करते हुए मीडिया को बताया कि रामविलास यादव को उत्तराखंड उच्च कोर्ट ने आदेश दिए थे कि वह विजिलेंस ऑफिस जाकर अपने बयान दर्ज कराएं और संबंधित दस्तावेज भी सौंपें। इसी के तहत IAS विजिलेंस ऑफिस पहुंचे हैं, साथ ही कल हाई कोर्ट में विजिलेंस के भी पक्ष मांगा गया है। गुरुवार को हाई कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट में देखते हैं कि आखिर होता क्या है। रामविलास यादव पर जो आरोप लग रहे थे वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि कोई भी पत्र रामविलास यादव के पास नहीं पहुंचा है। उसका जवाब दिया गया है। एक सवाल पर कहा कि कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, उसका पूरी तरह पालन किया जाएगा। उनको जो है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने जो है उनको आदेश पारित किया है कि उनको जो है उत्तराखंड या विजिलेंस में अपना बयान दर्ज करने हेतु और संबंधित दस्तावेज जो है उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है, तो उसी के अनुपालन में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आपको लगता है कि पूरा सहयोग करेंगे विजिलेंस के नाम पर? आज जब कोर्ट का निर्देश है और कोर्ट की शरण में, तो निश्चित रूप से जो है कोर्ट में जो है संपर्क किया जाएगा। जी अगर सही साबित जाते हैं तो बिल्कुल न्याय संगत जो भी आचरण होगा उसके ऊपर जो है कार्य करी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य संपत्ति विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में करें, ताकि कम खर्चे में अधिक आउटपुट मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य संपत्ति विभाग के प्रस्तुतीकरण पर नाराजगी जताई और कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एकीकृत पैटर्न पर कार्य करने के भी निर्देश दिए। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।